बहन के पवित्र रिश्ते के प्रति रक्षाबंधन देश भर में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस बीच हर साल बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी ड्यूटी में तैनात होने के कारण रक्षाबंधन नहीं मना सकते हैं, जिससे निराश रहते हैं। ड्यूटी में तैनात होने के कारण उनके कलाई को राखी नसीब नहीं होती है, मगर इस बार कटिहार बीएमपी 7 में वैसे ही पुलिसकर्मियों के लिए एक निजी स्कूल के बच्चों ने रक्षाबंधन आयोजित कर पुलिस कर्मियों की कलाई में राखी बांधी है। जो घर से दूर ड्यूटी में तैनात जवानों को अपने घर में होने का एहसास दिलाया। कटिहार में इस अनोखे रक्षाबंधन पर पुलिसकर्मी, निजी विद्यालय के छात्र और बीएमपी 7 कमांडेंट से बातचीत पर एक रिपोर्ट। अलग रंग है, अलग तरह से सेलिब्रेशन हुआ, कितना मजा आया, क्या अलग है? बहुत मजा आया मुझे, यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने राखी बांधा सर को, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। पुलिसकर्मियों को राखी बांधने का मौका मिला, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मुझे पुलिस अंकल को राखी बांध के अच्छा लगा, मुझे पहली बार मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को राखी बांधा है। प्राची के इस तरह का मौका मिला, बच्चे आके राखी कितना पुलिस कैसा लगा? सर फीलिंग तो ऐसे ही, मान लीजिए जब से फोर्स में बहाल हुए हैं हम लोग का एक जीमा है पूरा बिहार के लिए। जितना भी सिस्टर है सब हमारी सिस्टर है, घर पर भी हमारी सिस्टर बांधती है और यहाँ पर भी हम लोग के लिए सिस्टर आई है। फील सेम टू सेम वैसा ही हुआ, बहन बहन होती है, घर की हो या बाहर की हो, बहन बहन होती है हमारे लिए सुरक्षा का। और हम लोग इतना जितना भी फोर्स हम लोग चाहते हैं कि कोई भी बहन दुखी नहीं हो, उसका हर समय हर क्षण रक्षा करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं और हमेशा रक्षा करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार। ये जीडी गोयनका के बच्चे हैं और इनकी जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा आग्रह किया गया था कि हम लोग राखी बांधने आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जवान हैं, जो विधि व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है तो कई लोग घर जा नहीं पाते और काफ़ी दुखी रहते हैं, तो इनको भी काफ़ी अच्छा लगा। एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह इनके द्वारा आज इंजॉय किया गया। ये बच्चे आए तो इनको लगा कि घर में है, घर के माहौल में इन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और बच्चों को भी अच्छा लगा कुछ नया करने का। पुलिस से अक्सर लोग भय से या इनकी अलग छवि होती, लेकिन आज इनको मिल के लगा कि पुलिस वाले भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।